हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 10 के सब्सक्राइबर करवाएं। सपोर्ट करते रहो, आप सभी के लिए इसी तरह के वीडियोस आते रहेंगे अच्छे अच्छे। और आप सभी को एक बार फिर से थैंक यू सो मच। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेईई मेन 2022 रजिस्ट्रेशन के बारे में, 2022 में जो आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं। बहुत सारे डाउट्स हैं बच्चों को कि मल्टीपल अटैम्प्ट होगा, सिलेबस कम होगा या नहीं होगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो कंप्लीट डिटेल में इन्फॉर्मेशन है, फॉर्म कब से फिलअप होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। देखो, जेईई मेन एग्जामिनेशन NTA कंडक्ट करता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। 2022 में जो एग्जामिनेशन होंगे उसमें सिर्फ आप 2-3 महीना बचा हुआ है, आपका फरवरी से एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर 2021 के कंपैरिजन करते हुए हम लोग देखें तो अभी कोई डेट्स अनाउंसमेंट नहीं की गई है, कोई भी ऑफिशियल डेट्स अनाउंसमेंट नहीं किए गए NTA के द्वारा। लेकिन बहुत सारे वेबसाइट्स और जो आपका रिपोर्ट्स बता रहा है कि जो बहुत जल्दी एग्जामिनेशन के जो डिटेल है वो सामने निकल के आएंगे। कब आएंगे तो मैं आपको बता दूँ, 7 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में जिन बच्चों का भी सीट अलॉटमेंट हुआ है उनके अलॉटेड इंस्टीट्यूट में प्रोविजनल एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। तो जैसे ही वो कंप्लीट होगा उसके बाद NTA अपना जो शेड्यूल है, एग्जाम शेड्यूल और रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो सारी चीज़ें रिलीज कर देगा। साथ में इन्फॉर्मेशन ब्राउचर भी रिलीज करेगा जिसमें सारे डिटेल्स होंगे एग्जामिनेशन से रिलेटेड, वो अपडेट में मैं बनाऊंगा। लेकिन जो रिपोर्ट्स अभी बता रही है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। एप्लीकेशन फॉर्म जेईई मेन जो फरवरी में सबसे पहला आपका एग्जामिनेशन होगा उसका अभी जस्ट रिलीज होने वाला, दिसंबर के सेकेंड वीक में रिलीज हो सकता है। और कौन कौन से बच्चे यहाँ पे एग्जामिनेशन दे सकते हैं जेईई मेन 2022 में, तो जिन्होंने क्लास 12th 2020 में पास किया या फिर 2021 में पास किया वो दे ही सकते हैं। साथ में जो कैंडिडेट्स 2022 में क्लास 12th का एग्जामिनेशन देने वाला है वो भी बच्चा एग्जामिनेशन दे सकता है। 8400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस आप अपने फ़ोन में डाउटनेट का 8400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल का फोटो खींचना है और उसे क्रॉप करना है और 5 सेकेंड में उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जेईई मेन एग्जामिनेशन एक नेशनल लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है और आर्किटेक्चर एग्जामिनेशन भी है, जिसके थ्रू आप जेईई मेन एग्जामिनेशन के थ्रू आप अगर क्वालिफाई करते हो तो NIT IIIT और GFTIs में एडमिशन ले सकते हो। साथ में जो प्राइवेट कॉलेज हैं वहाँ पे भी जेईई मेन के स्कोर को कंसिडर किया जाता है, तो उसके बेसिस पे आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हो। बहुत सारे बच्चे के मन में सवाल होगा कि जेईई मेन एग्जामिनेशन कितना बार होगा, यानी कि कितने अटेम्प्ट्स बच्चे दे सकते हैं, तो 2021 में 4 अटेम्प्ट्स थे। अगर मैं 2 साल पहले की बात करूँ, 2 साल पहले सिर्फ आपको 1 से 2 बार एग्जामिनेशन देने का मौका दिया जाता था, लेकिन NTA ने इसको बदला और 4 बार अटेम्प्ट कर दिए बच्चों के लिए। ये काफ़ी अच्छा भी है, कोविड के समय भी ये 4 बार लिया गया और इसी की वजह से एग्जामिनेशन लेट हुए, देन उसके बाद जो काउंसलिंग है वो लेट हो रहा है जिसकी वजह से सेमेस्टर भी लेट स्टार्ट होंगे। जेईई मेन 2022 एग्जामिनेशन भी 4 बार होगा, इससे ये फायदा होगा कि कोई बच्चा का अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर अच्छा नहीं होता है तो वो सेकेंड थर्ड या फोर्थ में अपने स्कोर को अच्छा कर सकता है। और NTA ने ये भी बोला है कि जो आपका रैंक कार्ड प्रिपेयर किया जाएगा, जो आपके बेस्ट अटेम्प्ट होंगे उसमें से लेकर आपके परसेंटाइल कंसिडर किया जाएगा रैंक प्रिपेयर करने के लिए, तो उस बात का टेंशन मत लेना, प्रिपरेशन करते रहो अच्छे से। एग्जामिनेशन की बात करें तो 2021 में आपका एग्जामिनेशन फरवरी मार्च और जुलाई में हुआ था और अगस्त में हुआ था, वैसे बेसिकली फरवरी मार्च अप्रैल और मई में एग्जामिनेशन होना था और लगातार 4 महीने में 4 बार एग्जामिनेशन होता है, लेकिन कोविड के कारण इसको चेंजेस करना पड़ा। 2022 की बात करें तो 2022 में भी आपका एग्जामिनेशन 4 बार होगा और फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, फरवरी मार्च अप्रैल और मई, सब कुछ सही रहता है तो इसी महीने एग्जामिनेशन हो जाएंगे, मतलब जो आपके डेट्स हैं। और एक्सपर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है वो सेम रहेगा, 4 अटेम्प्ट। साथ में विनीत जोशी जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर जनरल हैं NTA के, उन्होंने ये भी कहा है कि जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन है और जो आपके जेईई मेन एग्जामिनेशन है वो क्लैश बिल्कुल नहीं होंगे, अपने अपने जगह डेट्स अनाउंस कर दिए जाएंगे। वैसे भी बहुत जल्दी डेट्स अनाउंसमेंट हो ही जाएंगे अभी जस्ट जेईई मेन एग्जामिनेशन के, तो उसी हिसाब से अगर बोर्ड के एग्जामिनेशन के साथ डेट क्लैश ना करे इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। CBSE एग्जामिनेशन और ISCSE एग्जामिनेशन आप साल में 2 बार एग्जामिनेशन ले रहे हैं, अभी आपका टर्म 1 का एग्जामिनेशन लगभग कंप्लीट हुआ है और टर्म 2 का एग्जामिनेशन आपका फरवरी मार्च में कंप्लीट हो जाता है, तो उसी हिसाब से डेट्स को बनाया जाएगा कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ डेट क्लैश ना हो। साथ में एक और रीज़न है जो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लेकर डाउट क्रिएट हो रहा है कि जो नया वेरिएंट मिला है कोविड 19 का, उसके केसेस भी इंडिया में
राइज कर रहे हैं। अगर आज की बात करूँ, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो टोटल 33 केसेस हुए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि अगर ये पैंडमिक यानी कोविड के केसेस लगातार बढ़ते हैं, तो इससे एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी डिले होगा। और साथ में इसको कंट्रोल करने के लिए ये भी हो सकता है कि जो आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है वो उसको कम भी कर दिया जाए। तो इसके ऊपर कोई अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं है नेक्स्ट एकेडमिक ईयर 2022 के लिए। थोड़ा सा वेट करो और डिटेल्स निकल के आएंगी, तब सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। साथ में बच्चों को ये भी बोर्ड की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि जो उसके सिलेबस है क्लास 9 से 12 के लेकर, उसको रिड्यूस कर दिया गया और उसको सिंक्रोनाइज किया जा सकता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के तहत। वैसे जेईई मेन में कोई सिलेबस कम नहीं हुआ है, बच्चों के पास चॉइस रहता है एग्जामिनेशन पैटर्न में कि वो 30 में से 25 क्वेश्चन बना सकते हैं। तो यही बस हुआ है। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो 2021 में जो एग्जामिनेशन पैटर्न था, 30 क्वेश्चन आपके पूछे हैं जा रहे थे, मतलब 30 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन, टोटल 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन फिजिक्स से रहते हैं, 30 केमिस्ट्री से और 30 मैथमेटिक्स से, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन ईच सेक्शन से बनाने होते हैं, यानी कि टोटल 75 क्वेश्चन होते हैं। 10 क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आपको ऑप्शन होता है चूज करने का कि 10 में से आप 5 बनाओ, जिसमें से आपके MCQ होते हैं, 20 क्वेश्चन MCQ और 10 क्वेश्चन आपके होते हैं जो न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसको आपको बनाने होते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं, 2020 और 2021 में जो 75% वाला क्राइटेरिया था NITs, IIITs और GFTIs के लिए और IITs के लिए, उसको रिमूव कर दिया गया था, लेकिन 2022 से ये क्राइटेरिया फिर से लागू हो जाएगा। NITs, IIITs, GFTIs में एडमिशन के लिए आपको और IITs में एडमिशन के लिए 75% मैंडेटरी है, क्लास 12th में आपको होने चाहिए और उसके बाद जेईई मेन तो क्वालिफाई होना ही चाहिए। NITs, IIITs और GFTIs के लिए, IITs के लिए JEE एडवांस का स्कोर भी इम्पॉर्टेंट है। तो आपको जो आप 2021 में जो आपने एग्जामिनेशन दिया है, उन बच्चों के लिए क्या होगा, 2020 वाले बच्चों के लिए क्या होगा, वो देखने की बात होगी। लेकिन 2022 वाले बच्चों के लिए 75% क्राइटेरिया एलिजिबल हो सकता है। जैसा कि आप देख सकते हो, 75% आप NIT, IIIT, GFTIs के लिए, देन उसके बाद BR का और B प्लानिंग के लिए 50% रिक्वायर्ड होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोविड, मतलब यानी कि लास्ट 2 साल में इसको रिलैक्स कर दिया गया था, लेकिन 2022 में रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं, इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं है, तो उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन के लिए रुकना होगा। साथ में ये भी बता दूँ, BTEC और B कैंडिडेट्स के लिए जो एग्जामिनेशन देंगे जेईई मेन पेपर 1 का, उनके लिए फिजिक्स मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट, इसके अलावा केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट, इन सभी में से कोई एक सब्जेक्ट और फिजिक्स मैथमेटिक्स आपका होना ही चाहिए। PR के लिए आपका मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री होना चाहिए। बी प्लानिंग के लिए आपका मैथमेटिक्स तो होना ही चाहिए, इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट है उसमें 50% और पास होना जरूरी है। साथ में ये भी बता दूँ, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपके एलिजिबिलिटी को डिसाइड करते हैं, तभी आप एडमिशन ले पाओगे। तो ये अभी तक का अपडेट था आप सभी के लिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर सकते हो वीडियोस के अपडेट के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर टेलीग्राम ऐप में सर्च कर लो @PallavHatsoFilms। चैनल की सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर से प्रेस करना, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।